सरकारें गांव में विकास का दावा करते नहीं थकती, लेकिन जमीनी हकीकत दावों से बहुत उलट है। ग्रामीण जनता की सुविधाओं के लिए दौड़ रही फाइलें सिस्टम के मकर जाल में कहीं खो गई, जिससे परेशान लोग अब खुद ही सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में ग्रामीणों ने खुद ही पुल का निर्माण कर ये दिखा दिया कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। आपको बता दें कि देवरांचल का ये पुल लगभग 20,000 आबादी वाले गांव को जोड़ता है, लेकिन हर साल बाढ़ के प्रकोप के चलते लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। पुल निर्माण के लिए ग्रामीणों ने कई सालों तक अधिकारियों के चक्कर लगाए, यहां तक कि चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। पुल निर्माण में जब कोई तेजी नहीं दिखी तो ग्रामीणों ने खुद ही पुल का निर्माण करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद सभी ग्रामीणों की मदद से आखिरकार पुल का निर्माण हो ही गया, जो कि आज 14 वर्षों से यह हमारा अधूरा पुल अर्धनिर्मित है। शासन प्रशासन के रवैयों को देखते हुए हम लोगों ने एक लकड़ी के पुल का निर्माण देवारा विकास सेवा समिति से संगठित होकर के इस लकड़ी के पुल का निर्माण कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा कार्य हो गया है और जो बाकी कार्य है कल तक हम लोग पूरा कर लेंगे, लेकिन तो हम लोगों ने शासन प्रशासन से बहुत ही रिक्वेस्ट किया, तमाम प्रकार से, चाहे न्यूज़ के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रकार के माध्यम से हम लोगों ने पुल निर्माण करवाने के लिए बहुत ही कोशिश किए, किंतु शासन प्रशासन हम लोगों की भाषा को नकारते हुए और आज हमको इस हालत पे छोड़ दिए हैं कि हम सभी ग्रामवासी मजबूर होकर के इस अर्धनिर्मित पुल को लकड़ी के पुल के रूप में बना रहे हैं। जब सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ी के पुल का निर्माण कर लिया और उस पर अब आवागमन भी चालू हो गया। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस 14 वर्ष से अर्धनिर्मित बने हुए पुल पर लकड़ी का निर्माण जो है, लकड़ी के पुल का निर्माण आज शुरू हुआ है और कल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन के उपेक्षात्मक रवैये को देखते हुए यह कदम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उठाया गया है। ग्रामीणों ने बाकायदा पुल का उद्घाटन कर मंदिर में पूजा अर्चना की। पुल का निर्माण होने के बाद ग्रामीणों में खुशी साफ देखी जा सकती है। वहीं इस पुल शासन और प्रशासन के लिए एक आईना भी है कि अगर गरीब जनता को झूठे दावों में उलझा कर नहीं रखा जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट।